कांग्रेस ने 5 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसको लेकर कांग्रेस से निष्कासित पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी पर हमला बोला है। कृष्णम ने कहा कि घोषणा पत्र देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में अपनी ताकत झोंकती नजर आ रही हैं, जिसके चलते सभी पार्टियां उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने से लेकर चुनावी रैलियां और घोषणा पत्र जारी करने का काम कर रही हैं। इसी बीच कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हालांकि उम्मीद है कि बीजेपी इसी हफ्ते अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बता दें, पहला मतदान 19 अप्रैल को होगा और 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता कृष्णम ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, बल्कि ये मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस है। कृष्णम ने कहा कि ये जो घोषणा पत्र है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का घोषणा पत्र नहीं लगता, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना का घोषणा पत्र लगता है। उन्होंने आगे कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पता नहीं क्या हो गया है कांग्रेस को, ना नीति बची है, ना नीयत बची है, ना नेता बचा है, जो कि इस देश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर तीखा तंज करते हुए कहा कि राहुल गांधी को रावलपिंडी से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। 8 अप्रैल को कृष्णम ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़कर लगता है कि जिन्ना अभी जिंदा हैं। हालांकि कृष्णम ने कांग्रेस के टिकट पर 2014 में उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, और फिर 2019 में लखनऊ में वो राजनाथ सिंह के सामने मैदान में उतरे थे, जिसमें वो तीसरे स्थान पर रहे। लेकिन लगातार अपनी ही पार्टी पर हमलावार होने के बाद पार्टी ने उन्हें 11 फरवरी को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, जिसके पहले ही वो धीरे धीरे पार्टी से दूरी बनाने लगे थे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने 40 साल पुराने जुड़ाव को ये कहते हुए ख़त्म कर दिया था कि राम और राष्ट्र के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। हालांकि जब कांग्रेस ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, उसके बाद उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और उनकी जमकर तारीफ भी की थी।